नमस्ते दोस्तों, मैं सरोज आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल सरोज का किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मटर पुलाव की रेसिपी, बहुत ही सिंपल तरीके से और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और बनाने में बहुत ही आसान है। आप इसे कम चीज़ों से कम समय में बनाकर तैयार कर सकते हैं और सबको बहुत ही पसंद आता है। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चावल को भिगो लेंगे, तो एक माप बना लीजिए जिसे आप पानी डालेंगे चावल में, उसी से हमें चावल लेना है। तो मैंने यहाँ पे एक ग्लास का माप बनाया है, आप कप का भी माप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे टोटली 3 ग्लास चावल लिया है। देखिए जैसे आप देख रहे हैं मैंने एक माप बना के रखा है, इसी ग्लास से मैं आगे पानी इस्तेमाल करूँगी। आप एक माप बना लें। अब चावल को अच्छे से हम 2-3 पानी धो लेंगे ताकि चावल अच्छे से साफ हो जाए। यह मैंने चावल को अच्छे से धो लिया है 2-3 पानी, उसको अच्छे से फूलने देंगे। जब तक फूलता है चलिए तो हम अपना पुलाव का जो मसाला है तैयार करते हैं। चावल तो तक हमारे अच्छे से फूल जाएंगे। तो पुलाव को हम कुकर में बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर गैस पे कुकर रखा है, उसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच ऑयल। आप घी भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच ऑयल और 1 चम्मच घी डाला है, जिसे हमारा घी थोड़ा मेल्ट हो जाएगा। इसमें हम डालेंगे कुछ खड़े मसाले। यहाँ मैंने लिया छोटी इलायची, काली मिर्च, 2 सूखी लाल मिर्च, जीरा, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ा सा मैंने जावित्री और 2 तेज पत्ता लिया है। इसको थोड़ा सा भून लेंगे। जैसे मसाले थोड़े से भून जाएंगे, मसालों को ज़्यादा जलाना नहीं है, हम काजू डाल देंगे। काजू से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है पुलाव में। अगर आपको ना पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, और टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। अब काजू को भी थोड़ा सा भून लेंगे। भूनने के बाद हम डालेंगे इसमें बारीक चॉप किया हुआ अदरक। अब अदरक को हम 1 से 1.5 मिनट में धीमी आंच पकाएंगे, ज़्यादा नहीं। जैसे हमारा अदरक थोड़ा भून जाएगा इसमें हम डालेंगे प्याज। प्याज को मैंने पहले ही लंबे स्लाइसिस में कट करके रखा था। हरी मिर्च को मैंने चीरा लगा के लिया है, आप बारीक भी चॉप कर सकते हैं, मैंने लंबे स्लाइसेस में काटा है। अब प्याज को थोड़ा सा हम सॉफ्ट होने तक भून लेंगे, ज़्यादा जलाना नहीं है, जब तक हमारा प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए हमारा प्याज जो है यहाँ पर थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है, ज़्यादा जला नहीं है, आप देख सकते हैं कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है। प्याज का जो मिठास है बहुत ही अच्छा आता है पुलाव में, तो ज़्यादा जलाइएगा मत। यहीं पर डाल देंगे हम फ्रेश हरा मटर और मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम क्या करेंगे कि यहीं पर ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक। मिला लेंगे एक बार। ये मटर पुलाव है तो आप मटर थोड़ा ज़्यादा डालिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ मैंने 1 से 1.5 मिनट मटर को पकाया है, ज़्यादा मत पकाइएगा क्योंकि हम इसे कुकर में बना रहे हैं तो आगे पक जाएंगे। यहीं पर डाल देंगे हम 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, बस और किसी मसालों की ज़रूरत नहीं है, इतना मसाला काफ़ी है पुलाव के लिए। मिला लेंगे। यह मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। देखिए यह हमारा चावल जो है रेडी हो चुका है, जैसे आप देख रहे हैं अच्छे से फूल चुके हैं, बिल्कुल भी पानी नहीं है। हमारे मसाला भी तैयार हो चुका है, इसमें हम डाल देंगे अपना हम चावल जो मैंने भिगो के रखा था और मिला लेंगे। ज़्यादा देर तक आपको चावल को मिलाने, चावल टूटने लगेंगे। हल्के हाथ से चावल को आप मिलाइए क्योंकि चावल जो है हमारे थोड़े फूले हुए हैं। यह मैंने चावल को मिला दिया है। ये भी डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इसे भी मिला देंगे। यह मैंने धनिया को भी अच्छे से मिला दिया, जिसे आप देख रहे हैं सारी चीज़ें अच्छे से मिल चुकी हैं। यहीं पर डालेंगे अब हम पानी, उसी गिलास से मैं पानी ले रही हूँ, ये 1 गिलास, ये 2 गिलास। अगर आप सही माप से बनाएंगे तो आपका पुलाव जो है परफेक्ट बनकर तैयार होगा। ये मैंने लिया 3 गिलास, ये 4 गिलास। मैंने यहाँ पे टोटली 4 गिलास पानी लिया है, 3 गिलास चावल के लिए, परफेक्ट बनेंगे चावल, बिल्कुल भी गीले नहीं बनेंगे और चिपके चिपके नहीं बनेंगे। तो तैयार हो चुका है हमारे यहाँ पे सारी चीज़ें। यहीं पे डाल देंगे 1 छोटी चम्मच घी। अगर आप घी नहीं
डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आधा नींबू का रस डाल दीजिएगा। उससे क्या होगा कि चावल जो है चिपकेंगे नहीं, जब अलग अलग बन के तैयार होंगे तब हम बंद करेंगे कुकर को। इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पे एक सीटी आने देंगे। और जैसे हमारा एक सीटी आ जाएगा, इसे लो फ्लेम में हम सिर्फ 2 मिनट पकाएंगे, ज़्यादा नहीं, एक सीटी आने देते हैं। यहाँ मैंने एक सीटी लगाया था और लो फ्लेम पे 2 मिनट पकाया था, और सीटी जो है अच्छे से गैस से निकल चुके हैं। इसमें इसको हम खोल लेते हैं, कुकर ठंडा हो चुका है। तो ये देखिए, इसे आप देख रहे हैं दिखने में कितना अच्छा लग रहा है पुलाव। मैं आपको कुकर चेक करके दिखा देती हूँ कितने चावल जो हैं अलग अलग बने हैं, बिल्कुल भी चिपके नहीं हैं। ये देखिए, अगर आप सही माप से बनाएंगे तो आपका जो पुलाव है बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, इसी तरह एकदम खिला खिला बन के तैयार होगा। हमारा यहाँ पर मटर पुलाव तैयार हो चुका है बहुत ही सिंपल तरीके से, और बहुत ही टेस्टी लगता है, बनाना उतना ही आसान है जैसे कि आपने रेसिपी में देखा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको और आपके घर में सबको बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, साथ ही में घंटी के बटन दबाते जाएं ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।